अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है। SI पशु कल्याण की जानिब से तहसील ऑफिस के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें तहसीलदार मैडम को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मुतालिबा किया गया कि पशु कल्याण में गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। इस डेमोन्स्ट्रेशन में SI पशु कल्याण के प्रेसिडेंट मोहम्मद फहीमुद्दीन, सेक्रेटरी डॉक्टर जबीउल्लाह खान, इनके अलावा मेम्बरान और दीगर लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, बने रहे हमारे साथ। SK24 न्यूज, हर कदम आपके साथ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पशु कल्याण यूनिट की जानिब से यहाँ पे जमा हुए हैं। हम जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारी पशु कल्याण की, युवकों की, स्टूडेंट्स की और जनता की ये डिमांड है, ये मांग है कि पशु कल्याण तालुका में, पशु कल्याण सिटी में तो गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट हो। पिछले साल 2016 से हम लोग ये कोशिश करके आ रहे हैं। ये कोशिश हमने बेंगलोर से स्टार्ट की थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, वहाँ से हम लोग जो है पशु कल्याण पहुँचे, अहमदाबाद पहुँचे, बीदर पहुँचे, सब जगह पहुँच कर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से ये डिमांड किया था कि हमको एक गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज चाहिए। गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज जो आगे डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग सेकेंड ईयर के बाद हम लोग वहाँ पे बीच के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। 2016 से जब हम लोगों ने कोशिश शुरू की तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब थे, वहाँ पे पहुँचने के बाद सिद्धरामैया साहब ने कहा कि अभी आपका इस साल का बजट बन चुका है, आप लोग जो है हमारे पास देर से पहुँचे हैं, आप एक काम कीजिए, अगले साल कोशिश कीजिए। ये कहने पर हम लोगों ने फिर से जोर दिया और कहा कि नहीं, हम लोगों को इसी साल कॉलेज का अनाउंसमेंट और इस्टेब्लिशमेंट चाहिए। इस पर सिद्धरामैया साहब ने क्या कहा कि आप अपनी फाइल को हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि HKDB रीजन यानी कि हैदराबाद कर्नाटक का जो इलाका है, बल्लारी, बीकर, गुलबर्गा, इसका 371 रिजर्वेशन है, हमारा जो फॉर्म है 371 का, उस रिजर्वेशन के हिसाब से उस डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ के पास में हमारी फाइल कॉलेज की दी गई। तो वहाँ पे उन अथॉरिटीज में उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी नए इंस्टीट्यूशन और नए कॉलेजेस खोलने के लिए हमारे पास कोई बजट मौजूद नहीं है, आप अगले साल कोशिश कीजिए। इस बात से जो है हम लोगों ने उस फाइल को क्लोज कर दिया। लेकिन 2018 में हमने फिर से जो है तो असेंबली यानी कि विधानसभा में जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है कि कर्नाटक में आगे क्या काम हो, क्या काम होना बाकी है और जो काम पीछे छोड़ा गया था उस काम को आगे किस तरीके से लेकर चलना है, इसके बारे में बीदर के MLP अशोक खेणी साहब ने अपने इसमें क्वेश्चन रेज किया था असेंबली में कि गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीदर डिस्ट्रिक्ट पशु कल्याण का जो अनाउंसमेंट के बारे में बात की गई थी, जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की गई थी, उसका क्या हुआ, क्या बना, उसकी फाइल कहाँ तक पहुँची। तो इस क्वेश्चन के जवाब में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने यह जवाब दिया था कि वो फाइल अभी प्रोसेसिंग में है, जब एक फाइनल डिसीजन में पहुँचेंगे तो हम लोग आपको इतला देंगे। लेकिन बाद में 2019 में पता चला कि उस फाइल को बंद कर दिया गया है। जो कोशिश हमने 2016 में शुरू की थी उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से वो फाइल को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद बसवा कल्याण में इलेक्शन हुए, बी नारायण साहब इलेक्टेड मेंबर MLA बनकर आए। हमने MLA साहब को अप्रोच किया कि देखिए 2016 में हमारे साथ ऐसा ऐसा काम हुआ है, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं और इस फाइल को क्लोज कर दिया गया है। इसके बाद बी नारायण साहब ने 12 फरवरी को एक लेटर लिखा हमारे डॉक्टर सुधाकर के, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के, पशु कल्याण तालुके में फिर से एक नए तरीके से गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया जाए। इस लेटर के बेसिस पे एक नई फाइल कॉलेज की फिर से बिल्ड हुई। ये फाइल बिल्ड होकर सेक्रेटरीट में पहुंची। सेक्रेटरीट में पहुंचने के बाद हम लोगों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, अलग अलग लीडरों को मिलकर हम लोगों ने अप्रोच किया कि आप इस कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए असेंबली में रिकमेंड करें। रिकमेंड करने के बाद जो है आज फाइल जो है डायरेक्टरेट में पहुंची हुई है। तो आज हम तहसीलदार, तहसील ऑफिस के सामने ये डिमांड लेकर आए हैं कि
इस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट में हमारे बसवा कल्याण के लोग जब इतने उत्साहित हैं कि इस कॉलेज और हॉस्पिटल की हम लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि हमारे पास एक अच्छा रेप्यूटेड डिग्री कॉलेज नहीं है। ले देके हमारे पास बचता है एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि NH-65 पर है। हमारे पास हेल्थ को लेकर, हमारी सेहत को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमारे पास जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमारी हेल्थ के लिए कोई चेकअप नहीं होते। एक ले देके गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ भी उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जितनी हम लोगों को चाहिए। हेल्थ कितनी ज़रूरी है, इसको लेकर हम लोगों ने कोविड के लॉकडाउन में देखा कि अगर हमारे सिटी में, हमारे तालुके में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज अगर आता है तो वहाँ से जो है सर्वेज होंगे, अलग अलग रूरल्स में जो है वहाँ से डॉक्टर्स की टीम पहुँचेगी, अलग अलग डिसीजेस को वो लोग काउंटर करेंगे कि अगर ये डिसीज शुरू होने वाली है तो इससे हम लोग कैसे बचें। अगर रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं तो हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर फूड पॉइजनिंग होने वाली है तो हम लोग जो है बाहर का खाना वगैरह इस्तेमाल ना करें। अगर कॉलेरा फैलने वाला है तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया है, आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि सबके घर में किसी ना किसी को शुगर है, तो शुगर के मेंटेनेंस के लिए क्या करना है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान हम लोगों को नहीं दिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डाइट प्लान, खाना क्या खाना चाहिए, पानी क्या पीना चाहिए हम लोगों को नहीं बताया गया है। अगर वहीं पे ये गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे जो है कॉलेज का स्टाफ रहेगा, कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हम लोगों को ज़्यादा सहूलत होगी। 1970 से पूरे कर्नाटका में सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज है। आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने होने चाहिए, आप अगर बता सकते हैं तो बताइए। किसी भी डिग्री को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने होने चाहिए, एक या फिर 10-12? जवाब दीजिए, 10-12 होने चाहिए। तो 1970 में जब एक गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज पूरे स्टेट के लिए बनाया गया है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर साल 60 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 60 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है पूरे कर्नाटका से। और वहाँ पे यहाँ से बसवा कल्याण के जो लड़के एडमिशन लेने जाते हैं उनको हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और जो है सो वहाँ पे रहने के लिए ट्रैवलिंग डिस्टेंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, वो लोग जो है एडमिशन नहीं लेते और वापस आ जाते हैं। इसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ता है कि जब एक काबिल लड़के को PUC के बाद डॉक्टर की सीट मिलती है और वो बैंगलोर पहुंचकर सीट ना लेते हुए फैसिलिटीज़ की अनअवेलेबिलिटी के बेसिस पर सीट अपनी कैंसिल करके वापस गांव को आता है, तो इसका नुकसान हमारी सेहत से होता है। ऐसे कैसे हो सकता है, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे जब कोई बीमारी फैलेगी, यहाँ पे जो है लोगों का एक्सीडेंट्स होगा, यहाँ पे जब जो है सो हमारे पास डिसीज पर्सन, बीमार लोग ज़्यादा होंगे, तो उनको काउंटर करने के लिए डॉक्टर्स कम रहेंगे, होंगे क्या नहीं डॉक्टर्स कम। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना की ड्यूटी करने के लिए गवर्नमेंट को टेम्पररी बेसिस पे हर डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स को हायर करना पड़ा। डॉक्टर्स की कमी आज इंडिया में मौजूद है, इंडिया में खास करके बस बीदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है, माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट इसको डिक्लेयर किया गया है। बसवा कल्याण का एजुकेशन रेशियो बहुत कम है, इसका एक और फायदा ये भी होगा कि यहाँ पे बसवा कल्याण में एजुकेशनल लेवल बढ़ेगा। जो आज बच्चे अपनी PUC के बाद गवर्नमेंट फैसिलिटी ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से जो काम कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ को छोड़ रहे हैं, अगर वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज बसवा कल्याण में आ जाता है और वहाँ पे फ्री एडमिशन होगा, गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम से वो फ़ायदा उठा सकेगा, तो जो है एजुकेशनल लेवल बढ़ेगा। जब एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो बसवा कल्याण का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आज ये डेमोन्स्ट्रेशन, प्ले कार्ड प्लस बैनर डेमोन्स्ट्रेशन तहसील ऑफिस के सामने रखा है। और हमारा मकसद ये है कि तहसीलदार मैडम के थ्रू हम एक मेमोरेंडम जो है कर्नाटका DS येडियुरप्पा साहब तक पहुँचाए कि बसवा कल्याण में आने वाले बजट में
साल 2021 और 20 के बजट में इस कॉलेज को इंक्लूड करें और यहाँ पे उसके एस्टेब्लिशमेंट को यकीनी बनाएं।